अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द आवामी। नाज़रीन, इससे कबल कि मैं SSU से मुतालिक कोई ख़बर बताऊँ आप लोगों को कि SSU में आज क्या हुआ। नए कमांडेंट ने जो पहला उनका इजलास था उसमें उन्होंने क्या हुक्म दिया, या कि DIG मकसूद मेमन इस वक्त कहाँ हैं, जो इनकी इतला है कि वो इस वक्त जो है मुल्क से बाहर चले गए हैं। इस पर मैं बाद में बात करूँगा। अब जो आज हमारा जो मौजू है वो ये है कि सियासत में पुलिस का या पुलिस का सियासत में क्या किरदार है, हम इस पर बात करते हैं। इससे कबल एक अहम तरीन जो ख़बर है, एक अहम तरीन जो इतला है वो ये है कि 19 अक्टूबर को IG सिंह के साथ जो नारवा सलूक किया गया था, जिस पर एक रिपोर्ट तो हसास इदारों की जानिब से आ चुकी है, अब दूसरी रिपोर्ट जिसका इंतज़ार था वो रिपोर्ट भी मुकम्मल हो चुकी है लेकिन उसे अभी तक पब्लिक नहीं किया गया। ये वो रिपोर्ट है जो चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने अपने 5 सूबाई मिनिस्टरों के ज़रिए तैयार की थी, जिन्होंने इस सारे मामले की तहकीकात की थी कि इसमें कौन कसूरवार है और असल किस्सा क्या है। उनकी रिपोर्ट जो है वो इंतहाई चौंका देने वाली है। उस रिपोर्ट में उन्होंने बहुत सारे लोगों को इसका ज़िम्मेवार ठहराया और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने IG सिंह मुश्ताक महर को बेकसूर और उनके साथ ज़्यादती का तस्करा किया है, लेकिन उस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं होने दिया गया है, उस रिपोर्ट को दबा दिया गया है। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे हमराज राही का कहना है कि एक सूबाई वज़ीर ने अपना नाम न जाहिर करने की शर्त बताया कि हमने उस रिपोर्ट में सब कुछ खोल कर बयान कर दिया है कि किस तरीके से बाज़ नादीदा कुव्वतें जो हैं वो हुकूमती मामलात में बराह रास्त मुदाखलत करती है और अपने मनपसंद नतायज हासिल करती है। हमने वो सब कुछ उस इंक्वायरी रिपोर्ट में तहरीर कर दिया है। अब जब भी वो पब्लिक होगी तो बहुत चीज़ें सामने आ जाएगी और एक नया पैंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। ये एक सिंध के सूबाई वज़ीर ने ये इंकशाफ हमारे नुमाइंदे हमराज राही से किया, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये वो रिपोर्ट है, लेकिन उस रिपोर्ट को नामालूम वजूहात की बिना पर जो है उसे दबा दिया गया है, अभी उसको पब्लिक नहीं किया गया है। अब हम आगे चलते हैं कि पुलिसिंग या पुलिस और सियासत का आपस में क्या ताल्लुक है। अगर मैं ये कहूँ कि पुलिस और सियासत का आपस में चूली दामन का साथ है तो गलत नहीं होगा। हर वक्त ये एक दूसरे को कांदा देते हुए नज़र आते हैं, एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करते हैं। सियासतदानों को पुलिस की हमेशा ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली ख़ास तौर से इलेक्शन के दौरान। जिस तरीके से अब गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन के नतीजे आए हैं, इस पर भी पुलिस का एक बहुत बड़ा किरदार ज़ेरे बहस है। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये हमेशा ऐसा होता रहा है। इलेक्शन में अगर किसी को जितवाना हो या किसी को हरवाना हो तो उसमें सबसे जो मरकज़ी किरदार होता है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का होता है। पुलिस का झुकाव जहाँ पर हो वो उम्मीदवार जीत जाता है और जहाँ झुकाव ना हो तो वो उम्मीदवार हार जाता है। इससे कतई ताल्लुक कि जीतने वाले के पास कितने वोट हैं और हारने वाले के पास कितनी अक्सरियत है, इसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। पुलिस का जो पलड़ा, यानी जिस पलड़े में पुलिस का हाथ होगा, वो पलड़ा हमेशा भारी होता है इलेक्शन में। ऐसा ही पिछले 71 साल के 72 साल के जो मुल्की तारीख के जो इलेक्शन हैं उसमें यही सब कुछ दिखता हुआ नज़र आता है। और पुलिस को क्या इनसे मफाद होता है, इन सियासतदानों से? पुलिस की सबसे जो बड़ी मजबूरी है वो उनकी पोस्टिंग है, और पोस्टिंग एक ऐसा हथियार है जो किसी भी फोर्स के सरबराह के साथ अगर वो हथियार हो तो वो डिसिप्लिन जो है वो सही तरीके से मेंटेन रखने में कामयाब हो जाता है। यानी कि वो जहर है, अगर सांप से वो जहर आप निकाल दो तो सांप फिर डसने के काबिल नहीं आता, बल्कि खेलने के वो नुमाइशी सांप हो जाता है। यही वजह है कि इस वक्त जो है पुलिस के जो IG हैं उनके पास तकरीबन जो है वो पोस्टिंग के इख्तियारात से महरूम है। सिंध के अंदर तो हमें यही नज़र आता है कि सिंध में जो है
तमाम की तमाम पोस्टिंग जो है उसमें से 20% भी पोस्टिंग जो है उसका इख्तियार आईजी सिंह के साथ पास नहीं है। अगर आप सिंध के तमाम इजला को उठा के देखें कि सिंध के इजला में एसएसपीज़ की पोस्टिंग कैसे होती है, कोई एक भी पोस्टिंग जो है आईजी जो है वो उस डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले सियासतदानों की मशावरत के बग़ैर नहीं कर सकता। पोस्टिंग के लिए खुद आईजी जो है उस एसएसपी से कहता है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं, यानी अगर आपको सजावल में पोस्टिंग लेनी है तो आपको आईजी यही कहेगा कि अनवर मजीद की एनओसी लाओ तो मैं आपको सजावल का एसएसपी लगा दूंगा। यही हाल खैरपुर का है, अगर आपने खैरपुर में एसएसपी लगना है तो आपको पीर पगाड़ा के ख़ानदान वालों की एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी। यही हाल जो है ठट्टा का है कि शिराजी ब्रादरान्स की एनओसी के बग़ैर आपकी वहाँ पोस्टिंग नहीं हो सकती। यही हाल नवाब शाह का है, यही हाल नौशेर फ़ोरोस का है कि वहाँ पर फलियार तालपुर साहबा की एनओसी के बग़ैर किसी की पोस्टिंग नहीं होती। ये मैंने आपको चंद जो है इजला बता दी। अब देखो यहाँ पर तनवीर अहमद तोनियों की जो है बार बार पोस्टिंग हो रही है, तो ये बार बार पोस्टिंग कोई मेरिट पर तो नहीं हो रही है, ये उनकी सियासतदानों की एनओसी के बग़ैर नामुमकिन है। यही हाल जो है वो अल्ताफ़ लगारी का है, दूसरी दफ़ा जो है वो नौशेर फ़ोरोस में जा रहा है। आखिर उसमें कौन से सुरखाब के पर है, ज़ाहिर है कि उनकी एनओसी है, उस एनओसी के बग़ैर ये पोस्टिंग नामुमकिन है। यही हाल जो है जामशोरों का है, जामशोरों में जब तक के वज़ीर आला मुराद अली शाह की एनओसी ना हो तो वहाँ किसी भी एसएसपी की पोस्टिंग नामुमकिन है। ये हाल है एक डिसिप्लिन फोर्स का। अगर मैं ये कहूँ कि इन सियासतदानों की मुदाखलत ने पुलिस को जो है एक कॉरपोरेट इदारा बना दिया, एक मल्टीनेशनल कंपनी बना दी है कि जहाँ पर आईजी का रोल जो है एक जनरल का नहीं है बल्कि जनरल मैनेजर का रोल बन गया है। वो जनरल मैनेजर के हिसाब से जो है वो इस बहुत बड़े डिपार्टमेंट को चला रहे हैं जिसका नाम सिंध पुलिस है। ये मैं कहने पर मजबूर हूँ, यही सब कुछ होता आ रहा है, जितनी भी पोस्टिंग ये हो रही है ये सब के सब जो है वो सियासी पोस्टिंग है और सियासतदानों की मुशावरत से ही ये पोस्टिंग हो रही है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क की सियासत के अंदर जो है जराइम और दहशतगर्दी की भी इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। वही लोग ये पोस्टिंग करा रहे हैं कि जो ख़ुद बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर जराइम में मुलव्वस हैं, वही अपनी मर्ज़ी के उन पुलिस अफसरों को अपने ज़िले में एज़ एसएसपी के पोस्ट कराते हैं कि जो उनके मामलात पर जो है कानूनी कार्रवाई करने के बजाय ना सिर्फ आंखें बंद रखें बल्कि उनके लिए मददगार का किरदार अदा करें। ऐसा ही होता आ रहा है सिंध पुलिस। अब मैं दो वाक़यात आपको बताऊंगा कि सिंध पुलिस में जो इस वक्त जो सिंध के अंदर हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी की, और पीपल्स पार्टी को इसका पुलिसिंग का जो है बहुत तलख तजुर्बा है कि किस तरीके से दूसरे लोगों ने पुलिस को खुद उनकी पार्टी को क्रेश करने के लिए एक बार नहीं दो मरतबा उसका इस्तेमाल किया। पहली मरतबा 92 में जाम सादिक की हुकूमत में CIA ने क्या किया, किसी से कोई ढका छुपा नहीं है। जाम सादिक की हुकूमत बज़ाहिर जमहूरी हुकूमत है लेकिन जमहूरी तारीख की जो है एक बदतरीन मिसाल थी कि एक अकलियत वाला बंदा जो है अक्सरियत पर जो है चीफ मिनिस्टर बनकर न सिर्फ हुक्मरानी करता रहा बल्कि उसने जिस तरीके से CIA का उस दौर में इस्तेमाल किया है उसकी तारीख में नज़ीर जो है वो ढूंढने से नहीं मिलेगी। उसके बाद उसी का जो सेकंड पार्ट था उसको दोबारा जो रिपीट किया वो शरीफ बरादरान ने किया। 98 के अंदर जो है उन्होंने जो है गवर्नर राज यहाँ पर लगाए और उसके बाद मकबूल राणा जो कि उनका फैमिली मेंबर था एक जूनियर बंदे को आईजी बनाकर यहाँ पर उन्होंने बनाया बिठाया और उसके बाद उससे अपने मनपसंद नतायज हासिल करने के लिए उन्हें फ्री टास्क दिया गया और उसके बाद जिस तरीके का सलूक उन्होंने जो है वो आसिफ अली जरदारी से किया वो भी किसी से ढका छुपा नहीं कि किस तरीके से आईजी सिंह मकबूल राणा ने जो है उन्हें जो है आसिफ जरदारी को पुलिस के ज़रिए टॉर्चर करने, उनको तशद्दुद करने और उन्हें रुस्वा करने के अलावा उन्हें हलाक करने की कोशिश की थी। उन्हें शदीद ज़ख्मी किया गया था CIA सेंटर में और बड़ी मुश्किल से उस दौर के जो CIA के सरबराह थे मंजूर मुग़ल ने अपनी ज़िंदगी को और अपनी नौकरी को ख़तरे में डालते हुए हक़ व इंसाफ का साथ दिया और आसिफ अल जरदारी को
مقبول رانا اور ان کے حواریوں کے ہاتھوں ہلاک ہونے سے بچا ہے، یہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ تو میں یہ صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو کہ خود پولیس گردی کا شکار ایک بار نہیں دو بار ہوئی ہے، تو ان کے ہوتے ہوئے اگر وہ بھی پولیس کو اپنے مقاصد کے لیے اسی طریقے سے ان کی پوسٹنگ اپنے ایم پی اے اور اپنے ایم این ایس کی مرضی پر کرواتی رہے گی تو اس کے بعد کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ انہیں تو کم از کم ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ پولیس کو اپنا کام جو ہے میرٹ پر کرنے دیا جانا چاہیے، کہ پولیس اپنا کام میں آزاد ہو۔ پولیس کا کام ہے جرائم کی بے خونی کرنا، جرائم کا خاتمہ کرنا، اور جرائم کی وارداتوں میں اور دہشت گردی کی وارداتوں میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف ڈنڈا اٹھا کے انہیں ان کے منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پیپلز پارٹی کی حکومت بھی وہی کر رہی ہے جو اس سے قبل جو ہے ان کے مخالفین خود ان کے خلاف پولیس کو استعمال کرتے رہے ہیں۔ اب خود پیپلز پارٹی جو ہے پولیس کو اپنے ایک بی جماعت کے طور پر جو ہے انہیں اپنے مقاصد کے لیے اور اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش بھی ہے، ان سے درخواست بھی ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو پلیز میرے چینل کو زیادہ سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور کم از کم اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کریں تاکہ مجھے یہ معلوم ہو کہ میرا یہ پروگرام کس ڈگر پر چل رہا ہے، آپ کے منشا کے عین مطابق ہے کہ نہیں۔ ناظرین، آج ایس ایس یو اسپیشل سیکورٹی یونٹ کے اندر جو ہے ان کے جو کمانڈنٹ ہیں ڈاکٹر فرخ علی لنجار نے آج پہلی اہم ترین میٹنگ کی، میٹنگ اپنے سٹاف کے ساتھ انہوں نے کی، اور میٹنگ میں انہوں نے جو کہا وہ یہ کہ میرے چارج لینے سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا اس کا جواب دے تو وہ ہوگا جو مجھ سے پہلے یہاں کا کمانڈنٹ تھا، لیکن آج کے بعد اس یونٹ میں کسی بھی قسم کی بے قاعدگی پائی گئی تو ملوث یعنی ذمہ وار اہلکاروں کے خلاف نہ صرف محکمہ جاتی کارروائی کی جائے گی بلکہ ان کے خلاف اینٹی کرپشن کا مقدمہ بھی ہوگا۔ اس لیے سب اپنے قبلے درست کر لو، جو قبلہ درست نہیں کر سکتا وہ اپنا ٹرانسفر کروا لے ورنہ سزا کے لیے تیار رہے۔ یہ پہلی میٹنگ آج ایس ایس یو کے کمانڈنٹ ڈاکٹر فرخ علی لنجار نے کی اور ان کو ایک طریقے سے وارننگ دے دی کہ وہ اپنا قبلہ درست کر لے، بے قاعدگی اب برداشت نہیں ہوگی۔ یعنی کہ جو آپ غیر قانونی کام کر چکے ہیں، جن کو آپ کھانچے پر چھوڑ چکے ہیں وہ ختم کر دیں، جن کو آپ نے نوازنے کے لیے پولیس گارڈ اور پولیس گاڑیاں اور فیول کارڈ آپ نے دے دی ہیں وہ واپس لے لیے جائیں، ورنہ انکوائری کے لیے اور مقدمات کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ ایک وارننگ تھی نئے کمانڈنٹ کی جانب سے ایس ایس یو کے اسٹاف کو، اور اس وارننگ کے بعد جو ہے پورے ایس ایس یو میں ایک کھلبلی سی مچ گئی کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے ایس ایس یو کے اندر۔ ایسا حکم یا ایسی وارننگ اس سے قبل کسی ایک بھی کمانڈنٹ نے دینے کی جرات یا ہمت نہیں کی۔ یہ پہلی مرتبہ جو ہے کمانڈنٹ ڈاکٹر فرخ علی لنجار کی جانب سے اتنا خطرناک وارننگ جو ہے ایس ایس یو کے اسٹاف کو دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس کے علاوہ جو دوسری خبر ہے کہ جو پیر جی ہیں مظفر اقبال عرف پیر جی، جو کہ پچھلے کئی دنوں سے دفتر نہیں آ رہے تھے لیکن اب وہ باقاعدگی کے ساتھ جو ہے انہوں نے دفتر آنا شروع کر دیا ہے۔ انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ ان کے پاس ایک پرتعیش آفس ہے، بہت لگزری آفس ہے نئے بلڈنگ میں، اور جو نئی اپائنٹ ہوئی ہیں یہاں پر جو پوسٹنگ ہوئی ہے نئی پی ایس پی ایس پی کی ایرم آوان کی، ان کے پاس جو ہے وہ انتہائی ناکارہ خستہ قسم کا آفس ہے جو پہلے ایس پی راجہ ارشد کے ذریعے استعمال تھا، اور وہ ایک ایسا آفس ہے کہ جہاں بارش کا پانی آتا ہے ٹخنوں تک پانی جمع ہو جاتا ہے۔ وہ ناکارہ آفس جو ہے وہ اس وقت لیڈی ایس پی ارم آوان کے زیر استعمال ہے، جبکہ ایک کانٹریکٹ زدہ پولیس افسر ڈی ایس پی جو ہے
मुजफ्फर इकबाल और पीर जी नए बिल्डिंग में एक लग्जरी ऑफिस को इंजॉय कर रहा है और महज अपने ऑफिस को बचाने के लिए कि कहीं नया कमांडेंट जो है अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए लेडी एसपी इरम आवान को वो ऑफिस अलाट ना करा दे, इसलिए उन्होंने बाकायदगी के बुना पर रोज़ की बुनियाद पर जो है ड्यूटी पर आने का सिलसिला शुरू कर दिया है। हमारे नुमाइंदे हमराज राही को जो है वो एसएसयू के एक ज़िम्मेवार अहलकार ने अपना नाम न जाहिर करने की शर्त पर ये इत्तला दी है कि मालूम ये हुआ है कि हमारे जो डीआईजी मकसूद मेमन जो 3 रोज़ की छुट्टी पर इस्लामाबाद गए थे, जहां पर उन्होंने बड़े आला अफसरों से मुलाकातें उनकी हुई और ख़ास तौर से जो है साबिका आईजी सिंह कलीम इमाम से उनकी बहुत ज़्यादा मुलाकातें, और उसके बाद अब ये इत्तला मिली है कि मकसूद मेमन साहब जो है बैरून मुल्क रवाना हो गए। ये कहना है एसएसयू के एक अहलकार का, बड़े अफसर का, जिन्होंने अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर ये मालूमात जो है हमारे नुमाइंदे हमराज राही के साथ शेयर की, लेकिन हमराज राही को किसी और ज़रिए से इस इत्तला की तस्दीक नहीं हो सकी कि जो इत्तला उन्हें एसएसयू के अहलकार ने दिए कि उनका डीआईजी मकसूद मेमन जो है इस्लामाबाद से बैरून मुल्क रवाना हो गए हैं। नाज़रीन, चलते चलते ये इत्तला मिली है कि सीसीपीओ कराची ने एएसपी गुलशन इकबाल मोहम्मद मारूफ उस्मान को एसपी के अहदे पे तरक्की देने के बाद जो है उन्हें एसपी गुलशन इकबाल तायुनात कर दिया है और वहाँ से एसपी इरफान जमान का ट्रांसफ़र पुलिस हेडक्वार्टर ईस्ट में कर दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब बात आखिर में बात करते हैं शैला कुरैशी एसएसपी साउथ की, इनका ट्रांसफ़र आखिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से क्यों किया गया। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे हमराज राही का कहना है कि शैला कुरैशी जो है वो उनके पास एक टीम थी, एक सब इंस्पेक्टर थे और एएसआई इब्रार, वो अपनी तमाम इंक्वायरियां जो उनके पास आईजी या सीसीपीओ की जानिब से आया करती थी, वो तमाम इंक्वायरियां इन दो अपने एतमाद के अफसरों से करवाया करती थी, जिस पर जो है वो डीआईजी आसिम कायमहानी को एतराज़ रहता था, इसलिए कि बाज़ पुलिस अफसरों को वो इन इंक्वायरियों से बचाना चाहते थे, जिसके लिए बाकायदा वो जो है आसिम कायमहानी जो है शैला कुरैशी को बार बार टेलीफोन भी करते थे कि भाई ये जो इंक्वायरी आपके पास आई है इन अफसरों से मुतालिक, इन पर ज़रा आप हल्का हाथ रखें, इनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी रिपोर्ट ना दे कि जिससे इनको नुकसान हो, जबकि वो जिन पुलिस अफसरों से मुतालिक सिफारिश किया करते थे वो सब के सब पर जो है संगीन इल्ज़ामात होते थे और वो उन इल्ज़ामात में बिल्कुल न सिर्फ मुलविस होते थे बल्कि उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे शवाहिद भी उनके पास आते थे शैला कुरैशी के टीम के पास। तो शैला कुरैशी जो है वो उनके ख़िलाफ़ और अच्छी खासी रिपोर्ट मुरतब करके सीसीपीओ कराची और आईजी को भिजवाती रही है। इस पर जो है वो इनमें एक तरह से तलख कलामी के बाद एक टसल चल गई, इनमें झड़प हुई, झड़प के नतीजे में जो है वो डीआईजी आसिम कायमखानी ने शैला कुरैशी के उन दोनों एतमाद के पुलिस अफसरों को वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया था, जिस पर जो है वो शैला कुरैशी चीख पा गई थी और उन्होंने इनसे अच्छी खासी उनकी तूतू में हो गई और बाद में वो मीटिंग छोड़कर चली गई और उसकी शिकायत उन्होंने जो है सीसीपीओ कराची गुलाम नबी मेमन और आईजी से की कि ये जो डीआईजी आसिम कायमखानी है ये उनके इंक्वायरी में और उनके मामलात में मुदाखलत करके ऐसे पुलिस अफसरों को बचाने की कोशिश करते हैं जिनके ख़िलाफ़ वो इंक्वायरियाँ कर रही थी और वो उन इंक्वायरियों में कसूरवार पाए जाते हैं, जिसके बाद जो है आईजी सिंह ने उनकी इस शिकायत पर तो कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन बाद में जो है सीसीपीओ कराची गुलाम नबी मेमन ने ख़ुद एसएसपी वेस्ट फिदा जाऊरी की सिफारिश पर जो है शैला कुरैशी की पोस्टिंग जो है वो साउथ में एज एसएसपी के कर दी है, ऐसा कहना है हमारे नुमाइंदे हमराज राही का। इससे कबल नाज़रीन के मैं इजाज़त चाहूँ, फिर मेरा वही मुतालबा वही गुजारिश जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे गुजारिश है कि मेरी पुश पर काम करने वाली इस टीम की हौसला अफजाई के लिए मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि हक़ व सदाकत का ये सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी रहे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।